वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। जियालिन जाते हुए बोलता है, मैंने उसकी मदद करी थी क्योंकि मुझे उसकी हालत अच्छी नहीं लगी थी कि जिस तरह से वो बार में जॉब करता है, और मैंने उसे रिजेक्ट करा क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। तो आखिर ये दो बातें अजीब कैसे हो सकती हैं। और वो चला जाता है। सोंगयान मन में सोचता है, जियालिन क्या तुम्हारे और मेरे बीच दूरियाँ ऐसी बढ़ती जाएंगी। और सीन चेंज होता है, हमें दिखाते हैं कि क्योंकि सोंगयान ने मदद करी थी यू लोतोंग को जॉब ढूंढने में, उन दोनों का रिश्ता उसके बाद से काफ़ी अच्छा हो गया था, और उस दिन के बाद से सोंगयान और यू लोतोंग ने कभी भी जियालिन को डिस्टर्ब नहीं करा। जियालिन ने अपना सारा दिमाग अपनी पढ़ाई में लगा दिया और काफ़ी समय गुजर गया। टीचर बोलते हैं, इस बार के मंथली टेस्ट के रिजल्ट्स आ चुके हैं, मैं तुम लोगों के सामने आज किसी के बारे में बताना चाहूँगा। जियालिन खड़े हो जाओ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने 5th प्लेस हासिल करी है क्लास में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोर है। तुम्हारे पिछले रिजल्ट्स को देखा जाए तो उसके मुताबिक तुमने बहुत मेहनत करी है। हम सबको जियालिन से कुछ सीखना चाहिए। चलो सबके सब उसके लिए ताली बजाओ और उसकी तरह बनने के बारे में सोचो। जियालिन मन में, हाँ मैं ऐसा क्यों लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा काम कर दिया है। और रात को जियालिन पढ़ रहा होता है तभी उसे कॉल आता है। वो कॉल सोंगयान का था। जियालिन तुम्हें मालूम है आज कौन सा दिन है? जियालिन तुम पी रहे हो? सोंगयान मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हें मालूम है आज कौन सा दिन है? जियालिन मन में, मैं कैसे भूल सकता हूँ, आज सोंगयान का बर्थडे है। पिछली ज़िंदगी में मैंने तो तुम्हें देने के लिए एक गिफ्ट भी प्लान करा था पर मैं कहाँ दे पाया। और वो कामली बोलता है, मुझे नहीं याद, मैं फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ, क्या कोई ज़रूरी बात है कि नहीं, या फिर मैं फ़ोन रखूँ? सोंगयान तभी अपना वाइन कैन क्रश कर देता है और बोलता है, आज तुम्हारे इस दोस्त का बर्थडे है। जियालिन तुम पत्थर दे लो, तुम अपने यार का बर्थडे भी भूल गए? क्या तुम मेरे से सारे रिश्ते तोड़ना चाहते हो? हाँ जियालिन, हाँ यू लोतांग कहाँ है? तुम उसके संग कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो आजकल, तो उसके संग बर्थडे सेलिब्रेट करो ना। सोंगयान जब मैं तुमसे बात कर रहा हुआ करूँ तो औरों को बीच में मत लाया करो। जियालिन क्या तुम्हें मेरी ज़रा सी भी चिंता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ कि नहीं? शायद सोंगयान ड्रंक होता है तभी वो ये सब बातें जियालिन से इतनी आसानी से कह पा रहा था। और सोंगयान बोलता है, मैं हमारे पुराने अड्डे पर हूँ और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं 12 बजे तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अगर तुम उससे पहले नहीं आए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए बुला दूँगा। और वो फ़ोन काट देता है। जियालिन तुम्हें क्या लगता है मेरे से रिश्ते तोड़ लोगे? इससे मैं डर जाऊँगा? मैं तब से ये सब इसीलिए तो कर रहा था कि तुम मेरे से सारे रिश्ते तोड़ दो। पर हमारा पुराना अड्डा, वो एक बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है और वो बिल्डिंग अभी पूरी भी नहीं बनी। सोंगयान की आवाज़ सुन के लग रहा था कि उसने ज़्यादा ही पी ली है। अगर आज मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो हो सकता है कि। और वो तैयार होकर बाहर जाने लगता है तभी जोशुओ उसे दिखता है। जोशुओ, मास्टर आप बाहर जा रहे हैं? जियालिन सोंगयान को कोई दिक्कत है? जोशुओ मैं भी आपके संग चलूँगा। और सीन चेंज होता है, वो लोग बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। जियालिन वो ऊपर ही है। जोशुओ यंग मास्टर क्या आप श्योर हैं कि वो इधर ही है? क्योंकि मुझे तो इधर कुछ नहीं दिख रहा। जियालिन तुम मेरा यहीं इंतज़ार करो, मैं भी आता हूँ। और वो छत पर चला जाता है। वो देखता है कि सोंगयान कुछ ज़्यादा ही टल्ली हो रखा है और उसके बगल में काफ़ी सारे वाइन कैन हैं। जियालिन उसके पास जाता है। सोंगयान हंसते हुए बोलता है, जियालिन तुम आ गए। और वो जियालिन के पास जाने लगता है। मुझे पता ही था तुम आओगे, तुम मुझे अभी अपना दोस्त मानते हो है ना? और जियालिन उसे लात मार देता है। जियालिन वही जियालिन मन में सोचता है, अपने बर्थडे वाले दिन तो सोंगयान ने यू लोतोंग को प्रपोज करा था, पर इस ज़िंदगी में क्यों ये वापस हमारे पुराने अड्डे आ गया है, वो भी अकेले और बैठकर इतना पी रहा है, और यू लोतोंग के बारे में तो एक बात नहीं बोलना।
क्या है ये सब? कहीं ये इसलिए तो नहीं क्योंकि मैं इन दोनों के बीच आ गया, यू लो तोंग मुझे पसंद करने लग गया और सोंगयान ये सब देख कर परेशान हो गया। इतना परेशान कि वो इतने टाइम से जिसके पीछे पड़ा था वो तो उसी के दोस्त को पसंद करता है। ओ गॉड, इसे लग रहा होगा कि उसने ये वक्त काफ़ी वेस्ट कराया अपना। हाँ, मैं ये सब नहीं चाहता था, ना ही मैं सोंगयान और यू लो तोंग के बीच आना चाहता था। क्या हो रहा है ये? वो अपनी ही सोच में होता है। तभी सोंगयान उसकी जैकेट पकड़ता है और बोलता है, जियालिन मुझसे बात करो। जियालिन उसे देख नीचे बैठ जाता है और वाइन कैन लेकर सोंगयान से बोलता है, सोंगयान हैव अ स्वीट 18। सोंगयान उसे देख कर ब्लश करने लगता है और रोते हुए स्माइल करके बोलता है, जियालिन। और वो उसके पास आ जाता है और उसे हग कर लेता है। तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो तो क्यों ना तुम उसे देख जियालिन ब्लश करने लगता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।